मैंने क्या बनाया है, क्या लगाया है? देखो मैंने क्या लगाया है गाइस, मैंने लगाया है बेसन अपने फेस पे। फिर इससे क्या हो जाओगे? टेस्टी है। कैसा चीकू? आप उन लोगों में से तो नहीं चीकू को बहुत हॉट लग रहा है। हॉट है। देखो लगे हैं दोनों खाने में। हॉट है ये वाला मत खाओ, ये बहुत ज्यादा हॉट है बेटा, अभी वो वाला खाओ ठीक है। बहुत हॉट लग रहा है, हॉट है। हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम हो रहा है, आई थिंक 4 बजे होंगे इवनिंग के। तो अभी मैं लगा रही हूँ एक फेस पैक, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेना चाहिए यहीं से। और पहले मैं फेस पे रोज़ वाटर जो है स्प्रे करूँगी, थोड़ा सा सेट होने देंगे। और अभी मुझे पिम्पल्स निकल रहा है बहुत बुरी तरह से, आई डोंट नो क्यों हो रहा है, बट हो रहा है यार। शायद अभी मैं थोड़ा ऑयल ज़्यादा खा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फेस पैक में लिया है बेसन, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। बेसन पैक मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी लूँ, टमाटो का लूँ, फ्रूट्स का लूँ, कुछ भी लूँ, मैं बेसन ज़रूर मैं डालती हूँ। और काफ़ी अच्छा बेस का ये काम करता है, मतलब ऐसे पूरा फेस पे ईजिली लग जाता है। इसमें मैंने रोज़ पेटल लिए हैं, जो कि मैंने ड्राई करके घर में ही बनाया था। उसके बाद मैंने कर्ड लिए हैं, लेमन लिए हैं, पिंपल्स हो रहा है तो मैंने सोचा थोड़ा सा लेमन, एंड थोड़े से पिंपल्स के स्कार्स भी है तो मैंने टर्मरिक ले लिया है। और नीरा पीछे जो है टीवी देख रहा है। नीरा से हाय। नीगो नीरा से हाय। हाय आके अच्छे से। हाय हाय गाइस। हाय गाइस, हाउ आर यू? हाउ आर यू? और बताओ क्या क्या बोलना चाहोगे? अब नीरा के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है, क्या बताओ? अब से नीरा का हॉलीडे, अब से क्लास नहीं होगा। आर यू हैप्पी? नीरव का नहीं पता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। ओ माय गॉड, मतलब मेरे लिए क्लास करवाना क्या बताओ, मैंने कभी जिक्र नहीं किया, बट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता था, बहुत ज़्यादा। कई बार मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो जाती थी, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आने लगता था, क्योंकि मेरा एक छोटा बेबी और है ध्यान, जो कि कभी भी इसे क्लास प्रॉपर नहीं करने देता है, छीनता है। ट्राईपॉड पे कैमरा लगाती हूँ तो छीनता रहता है, मतलब फ़ोन लगाती हूँ छीनता रहता है। इसीलिए आज तक कभी लैपटॉप पे नहीं करवाया, एक आध बार करवाया है, बट वो तो और ज़्यादा, मतलब पूछो मत, उस पर तो बिल्कुल ही नहीं करने देता है। तो मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहता था, तो इसीलिए अभी छुट्टी हुई है ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का, तो मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पढ़ाई तो उसकी जारी रहेगी, लेकिन जो ये क्लास करवाना जो वो टाइम होता था, अपने लिए भी ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि अभी UKG भी चला गया, यानी मोंटेसरी थी मैं, तो उसमें क्या होता था कि 3-3, 4-4 पीरियड लगते थे, कभी 3 कभी 4। तो समझो मेरा सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरा ही बिजी रहती थी, तो इस बीच में 5 मिनट मिलता था, कभी 10 मिनट मिलता था, तो मतलब उसी बीच में मुझे खुद को मतलब खुद खाना खाना है, ध्यान को नीरव को, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता था। तो अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला लाइफ था, लेकिन अभी जब से ये मतलब पता चला है तो काफ़ी अभी खुश हूँ मैं। तो सोचा इतने दिन से इतना स्ट्रेस ले ली, इतना कुछ स्किन ख़राब हो गया, तो आज थोड़ा सा स्किन को देखभाल कर लेते हैं। और मैं फटाफट से लगा रही हूँ ये पैक, और उसके बाद थोड़ा देर में जाऊँगी मैं नीचे घूमने, नीचे वॉक पे, नीचे ही मतलब जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं कहीं इधर उधर, काफ़ी टाइम से तो अभी बाहर कहीं गए ही नहीं है और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो नहीं जा रहे हैं। बस हस्बैंड जाते हैं, उनको तो जॉब जाना ही है, मतलब मेरे हस्बैंड की ऐसी जॉब है कि वो घर बैठे नहीं कर सकते हैं। कई लोगों की वर्क फ्रॉम होम है, बट मेरे हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं। चलिए बहुत हो गई बात, तो फटाफट से लगा लेती हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा अच्छा करने का, तो डिनर में बनाऊँगी चिकन कुछ अच्छा स्पेशल, एंड थोड़ा सा सोच रही हूँ कुछ न्यू कपड़े भी पहन लेती हूँ। अभी अभी मैं थोड़ा सा ना मेकअप करूँगी, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कर रही हूँ पहले, मेकअप से पहले, एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा न्यू कपड़े भी आज पहनूँगी मैं सोच रही हूँ। ये वाला सोच रही फेस पैक नीरव को भी लगा दूँ क्या,
क्योंकि नीरव को भी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है अभी फेस पे, क्योंकि धूप में बहुत जाते हैं ना दोनों बच्चे, तो टैनिंग हो गई है। तो बस आज का ब्लॉग है एकदम पूरा स्ट्रेस को दूर करने का, क्योंकि इस टाइम पर आई थिंक मैं ही नहीं काफ़ी लोग बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। स्पेशली जब मैं कोई वीडियो देख लेती हूँ ना तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही मुझे अजीब सा होने लगता है, रात को एनजाइटी होने लगती है, तो वो सब चीज़ें मैं नहीं चाहती हूँ। अपने आप को पैम्पर करो, खुश रखो, माइंड को शांत रखो, योगा एक्सरसाइज जो हो सकता है करो। एंड अभी मैं आजकल एक न्यू चीज़ कर रही हूँ, मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको प्लांट्स। तो मेरा एरिका पाम जो था काफ़ी बेकार था जब मेरे हस्बैंड लाए थे, और उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो अभी मैंने न्यू काफ़ी घना और अच्छा लिया है एरिका पाम। और देखो वॉल की हालत, देखो देखो कितनी ख़राब कर दिया दोनों बच्चे ने, मेरे पूरे घर की वॉल बहुत ख़राब कर दिया। देखो मैंने क्या बनाया है, क्या लगाया है, देखो मैंने क्या लगाया है गाइस, मैंने लगाया है बेसन अपने फेस पे। फिर इससे क्या हो जाओगे? इसे ठीक हो जाऊंगा मैं, इससे पहले कह रहा मैं क्यूट हो जाऊंगा। तो मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाला था, सारी चीज़ें नेचुरल है, तो मैंने सोचा नीरव को भी लगा देती हूँ। और अभी मेड आई नहीं है, बर्तन पड़ा हुआ, मैं सोची एक बार वो आ जाए उसके बाद मैं चिकन को मैरिनेट कर दूँगी, प्रोसेस कर दूँगी कुकिंग का स्टार्ट। मैं सोची कि नीचे जाने से पहले, वॉक पे जाने से पहले अपना थोड़ा बहुत कुकिंग जो है वो फिनिश कर लूँ, हैंड वॉश कर लूँ पहले मैं। तो काफ़ी ज़्यादा देख लो बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, चॉपिंग बोर्ड सब कुछ। जिसको मैंने गर्म पानी में डाल के ऐसे छोड़ दिया है, तो क्या है इससे ना बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो गया है, फ्रिज से निकाला है ना तो इसलिए वो हार्ड हो गया है। ओके मैं आपको अपना प्लांट्स दिखाती हूँ। इसको ना मतलब थोड़ा घर में डेकोरेट की थी, लेकिन दिहांश ना बहुत ज़्यादा ऐसे तोड़ फोड़ कर रहा था, उसको पत्ते ऐसे खींच रहे थे, मिट्टी वगैरह ऐसे पूरा निकाल रहा, तो इसीलिए मैं ना कुछ प्लांट्स पीछे रख दी बालकनी में, बट उसको मैं फिर घर में वापस शिफ्ट कर दूँगी। बट पहले उसको सेट होने देती हूँ प्लांट्स को, क्योंकि अभी उसमें पॉट में लगाई हूँ तो थोड़ा सा सेट होने देती हूँ। गाइस एरिका पाम जो कि काफ़ी मतलब घना है, काफ़ी अच्छा उसकी कंडीशन है, तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैं बालकनी का दिखाती हूँ। ओ देखो कितनी धूप है ना बाहर, और मौसम मतलब इससे पहले तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना फ्रेश लग रहा था, इतना ज़्यादा धूप ही नहीं लग रहा था, लेकिन कभी आ रहा है कभी जा रहा है, बट स्टिल वेदर बहुत अच्छा है। ओके तो ये रहा मैंने प्लांट लिया है, ओ माय गॉड धूप के वजह से शायद दिखेगा नहीं। तो ये है क्रोटोन, इसको बहुत हल्का सा मतलब इवनिंग वाला धूप आता है, अभी इवनिंग वाला धूप है ये, तो इसलिए मैंने रखा है। एंड तुलसी को तो हम धूप में रख सकते हैं, तो एक तुलसी का पेड़ काफ़ी टाइम से मैं लेना चाह रही थी बट ले नहीं पा रही थी, तो फाइनली ये रहा मेरा तुलसी का प्लांट जो कि काफ़ी अच्छा है। ये थोड़ा रेड वाला जो होता है ना वो वाला है, कहते हैं ये ज़्यादा अच्छा होता है। ये दूसरा क्रोटोन ली हूँ, एक इससे पहले था। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, आई एम सो हैप्पी, मुझे लग रहा था इसको मैंने ना दोबारा से रिपोर्टिंग की थी इसको, इसको ना मतलब तीन निकाला था इसमें से, एक स्नेक प्लांट में से जब मैं मार्केट से लाई थी, तो मुझे लगा शायद ग्रो नहीं कर रहा है। उस दिन जब मैंने रिपोर्टिंग किया ना गाइज मतलब खाद वगैरह डाल के, तो देखो इसके देखो एक और निकल रहे हैं, आई डोंट नो फोकस नहीं आ रहा, तो देख सकते हो गाइस इसका एक और इधर से निकल रहा है और एक इस साइड से निकल रहा है, जो कि मतलब इस साइड का थोड़ा बड़ा है। और मुझे इतनी खुशी हुई ना, मतलब अभी अच्छे से दिख नहीं रहा क्योंकि मिट्टी है, मतलब इसको जब मैंने देखा तो इतनी खुशी हुई ना मुझे, क्या ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने इसको देखा। आई थिंक इसकी मिट्टी काफ़ी ड्राई हो रही है, इसमें आज पानी डाल देती हूँ, तो इसमें बिल्कुल धूप नहीं आ रही है, काफ़ी छाया में इधर। मैंने सारा ऊपर रखा है क्योंकि ध्यान बहुत परेशान करता है। और एक मेरा जो सबसे अच्छा प्लांट दिखाती हूँ गाइस, आई एम सॉरी बट श्योर एक के पास ऊपर रखा है क्योंकि घर में कहीं जगह नहीं था जिसको मैं रख सकूँ। ये वाला प्लांट अभी मैंने न्यू लिया है, तो मतलब इसकी लीफ इतनी प्यारी इतनी देखो लग रही है, मतलब ये काफ़ी टाइम से मैं लेना चाह रही थी प्लांट, बट फाइनली उस दिन घर के नीचे ही आया तो ले लिया। अभी ये कल ही लिया ये प्लांट एक्चुअली,
तो इसको मैंने कल ही रिपोटिंग किया है और पानी डाला था, कल ही डाला था पानी, तो अभी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इंडोर प्लांट्स को एवरीडे ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रख दिया है। खाती हूँ मैं अभी, मेरे को प्लांट्स मतलब फिर से बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है, क्योंकि बीच में ध्यान तो बहुत ज़्यादा परेशान करता था, बिल्कुल नहीं रहने दे रहा था, अभी भी नहीं रहने दे रहा है। कब उसका मूड चेंज हो जाए, वो कब सब प्लांट्स को उजाड़ दे। और एक ये एक्चुअली एक इधर भाभी रहती है, तो उन्होंने ही दिया है, एंड आई एम श्योर वो ये ब्लॉग ज़रूर देखेगी, अगर देखेगी तो उनको समझ आ जाएगा। तो ये भाभी ने दिया है, तो थैंक यू सो मच भाभी, ये प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और उन्होंने मुझे एक और प्लांट दिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस प्लांट का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, तो इसके साइड से देख सकते हो दो दो निकल रहे हैं, और तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, तो इसको मैं ग्रो करूँगी। ओके, और उन भाभी ने एक और दिया था, उनके पास मनी प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो उसमें से ही मुझे ये वाला दिया। इसके रूट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो ये बहुत जल्दी आई एम श्योर मिट्टी में लग जाएगा। ऑलरेडी भाभी ने ग्रो किया था पानी में, इसकी जड़ काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, तो इसको मैंने डाल लिया है। और तो ये है मनी प्लांट, आई डोंट नो कौन सा मनी प्लांट है। और एक है ये पोथोस, मेरा खुद का मनी प्लांट, जो कि इसकी हालत, मेरा बच्चा मतलब कल भी पूरा इसके पत्ते इतने सारे ध्यान से सब ख़राब कर दिया। इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो रही है, बट स्टिल ठीक है, उतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। तो एक और मैं दिखाती हूँ कि क्या मैंने लिया है। और अभी अभी जस्ट नीरव देखो क्या करके गया है, नीरव छुप के क्या कर रहा था, मतलब क्या बताऊँ, इसके डैडी उठेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। कड़ी पत्ते का प्लांट, तो ये बहुत कम है, मैंने उनसे बोला कि भैया इसमें तो बहुत कम पत्ते हैं, बट बोला कि अभी सीज़न ऐसा ही है, फिर ये ग्रो हो जाएगा बहुत जल्दी। यहाँ पे मतलब देखो क्या हालत, देखो क्या करके गया है, मिट्टी पूरा, क्या बताऊँ। तो यहाँ पर लगाया है पेड़ धनिए का, मतलब धनिए का लगाया मेरे हस्बैंड ने, और धनिया आना शुरू भी हो गया, अभी दो दिन हुआ है, ये देख सकते हो, दिख रहा है क्या ये, एक सेकेंड, ये देखो ये रहा, ये क्या किया नीरव ने, एक ये रहा, ये रहा, ये नीरव ने क्या किया, सारा यहाँ पर मिट्टी फैला के, फिर पता नहीं वो एक्स्ट्रा मिट्टी था, तो इन सब में मिट्टी रखा है मैंने एक्स्ट्रा, यहाँ पे कोकोपीट, यहाँ पर खाद। तो कल ही क्योंकि रात में मैंने सारा प्रोसेस किया, तो टाइम नहीं मुझे मिला, तो इसको यहीं पर मैंने छोड़ दिया, और सारा नीरव ने मिट्टी उठा उठा के भर दिया था। मैंने जैसे तैसे हाथ से हटा कर इसको थोड़ा बराबर कर दिया, बट फिर भी सारे जो है दब चुके हैं, जो छोटे छोटे निकल रहे थे ना, वो सारे इसमें दब चुके हैं सारे। तो आई डोंट नो, देखते हैं अभी क्या हो रहा है इसका होगा। यहाँ पे भी लगा रखा है धनिया, नहीं नहीं यहाँ पे शायद मिर्ची है लगा रखा, हाँ इसमें मिर्ची है, इसमें धनिया है, शायद इसमें भी धनिया, पता नहीं मेरे हस्बैंड ने डाला है। तो कह सकते हैं इसको नए तरीके से शुरुआत, अभी इतना ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी खुशी जो है ना, हमें खुशी देती है, तो ये सब ज़रूर करना चाहिए। और वैसे भी मुझे इसका शौक़ है, पहले नहीं था लेकिन अब है, पिछले एक साल से डेढ़ साल से बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं सारे प्लांट्स कैसे जाते हैं, मैं सारे अपडेट्स आपको देती रहूँगी प्लांट्स की। और नीरव अभी देख रहा है टीवी में कार्टून, और देखो प्लेट्स में लेकर नहीं गई अभी, मैंने छोड़ दिया है। हाय हाय, ओ अच्छा कर देगा, फोन में नहीं दिया तो देखो। और नीरव खा क्या रहा है बता तो दो, ये खाया हूं। तो नाम तो बताओ, बोलो इक्सस, बोलो सेवई है, सेवई है, सेवई। तो नीरव के लिए भी बनाया मिल्क वाला सेवई, और ध्यान भी खाएगा, तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि काफ़ी सारा शुगर होता है इसमें, और ऑलरेडी आज मैंने स्वीट्स खाया है, तो मैं नहीं खाऊंगी। ओ गॉड कितना मतलब धूप है। तो अभी मैंने पहना है आज ये लाइफस्टाइल का, शायद अभी नहीं आ रहा लाइफस्टाइल या मैक्स, तो वही का है। तो ये मैंने पहना है, मैंने सोचा कि कहीं तो जा नहीं पाऊंगी, लॉकडाउन तो अब लग ही गया है, अभी और आगे चलेगा, इसलिए पहन लिया। और आज मैंने पहना है ये न्यू लेगिंग्स, जो कि इसी के लिए लिया था, ये है लायरा का, तो काफ़ी अच्छा रहता है लायरा का, क्वालिटी बहुत सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल रुआ वगैरह कुछ नहीं निकलता है। तो चिकन जो है अभी भी
काफ़ी हार्ड है, तो मैं सोची तब तक वेट कर लेती हूँ क्योंकि मेड भी अभी तक नहीं आई है। आई डोंट नो, फ़ोन भी कर रही हूँ, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ताकि बता दे एटलीस्ट तुम्हें काम शुरू कर दूँ। तो मैं एक दो यस काशवी आई डोंट नो बेटा, वो सो रहा है अभी शायद, तो उसके एक फ्रेंड का नाम है काशवी, तो वही कह रहा है काशवी भी खाएगा ये। तो चलो आज मैं जा रहा हूँ अपने लिए स्पेशल बनाने, ये लोग डेली प्लीज वो 4-5 घंटे वाला रसगुल्ला मत बोलना, रसगुल्ला नहीं। तो मैं जा रहा हूँ आलू की सब्जी, पानी वाली, पानी मतलब आलू टमाटर, वो भी एक घंटा लग जाएगा देखना। अरे यार तुम बनाओगे तुम ही, मतलब अच्छा मैं ही बनाऊ, ऐसे ही इतना अभी वर्क करके आई हूँ, कमर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहे हैं। चिकन खाना है जो बताओ, टेल मी टमाटो चिकन। तो कल जो है नीरव के लिए मैंने मतलब लेमन चिकन बनाया था, लेमन ब्लैक पेपर चिकन, तो इसको अच्छा नहीं लगा। आपको कल नहीं अच्छा लगा ना? नहीं लगा अच्छा लगा, तो मैं बिस्किट। एक और शैतान आ गया, दो शैतान मेरे, दो शैतान। हाय बोल दे एक बार, हाय प्लीज एक बार हाय तो बोल दो, हाय हाय हाय। बहुत गुस्से में आज, देखो 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 आइज देखो आइज देखो देखो आई ओह ओह इसको तो मन करता खा जाऊं। तो बाय तो कर दो बाय। तो कल नीरव को लेमन चिकन पसंद नहीं आया, थोड़ा उसका ग्रेवी वाइट लग रहा था, उसको थोड़ा वियर्ड लग रहा था कि क्या है ये क्या, तो कह रहा मम्मा आज ऑरेंज चिकन बन रहा है ना, ऑरेंज मतलब ऑरेंज रेड कलर का जो होता है, तो मैंने कहा हाँ आज वही बन रहा है। ओके तो दिखाती हूँ मैं चिकन, नींबू ऐसे नहीं बेटा। चिकन का क्या हाल है अभी, इन लोगों के वजह से बहुत कम चिली डालती हूँ, तो इस पर मैंने देगी मिर्च दिया है जो रेड कलर होता है, सिर्फ चिली नहीं होता है ज़्यादा, वो स्पाइसी नहीं होता है। तो अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं दिया है, ऑलमोस्ट कुक हो गया है, तो ऐसे ही करके मैं कुक करूँगी आज। ईट बताओ क्या ईट। चलो तो मैं फटाफट से जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए मैंने मूँग का दाल बनाया है, ये गाँव वाला मूँग का दाल है। तो मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ लेकर आई थी गांव से, बिहार से, तो वो दाल बन रहा है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आता है गांव वाला मूंग का दाल प्लस आलू का चोखा। एंड मैंने जो है फेस धुल लिया क्योंकि मैंने जब प्याज चॉप किया था तो वो जो रेड वाला अनियन होता है ना, इतना लगा कि मेरे सर में दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा वो लगा, काफ़ी ज़्यादा चॉप किया था ना इसलिए। हाँ जी इधर आओ, आप बताओ क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए, आलू क्या चाहिए, आलू आलू का पराठा या फिर आलू सिर्फ आलू चाहिए। देखो ध्यान को आलू पसंद आता है ना, इसीलिए आलू।